हेलो स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस चैप्टर टू फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यानी खेल में पोषक तत्व का आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आज हम दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन और सेकेंड है न्यूट्रिटिव नाउन नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो पहले हम आते हैं बैलेंस डाइट पे चर्चा करेंगे। एक चीज है, किसी भी गेम या एक्टिविटी करने के लिए पोषक तत्व या भोजन का आवश्यकता पड़ती है और हर आदमी ये सोचता है कि हम हेल्दी और फिट रहें। तो फिट हम तभी रह सकते हैं जब हम अच्छा भोजन लेंगे, जब हम संतुलित आहार लेंगे और उचित मात्रा में उसमें से पोषक तत्व मौजूद रहे, तभी हम फिट रह सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें दिया है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स विटामिन मिनरल्स एंड वाटर करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी संतुलित आहार भोज्य पदार्थ का वह गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन विटामिन वाटर मिनरल्स सारे चीज एक संतुलित रूप में रहे, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब सेकेंड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? पोषक तत्व की वह प्रक्रिया जिसमें शरीर भोजन का उपयोग कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है उसे पोषण कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। अब मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, सामान्य रूप से भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उपस्थित होते हैं वही न्यूट्रिशन कहलाते हैं। न्यूट्रिशन एक पोषक तत्व यानी भोजन का एक सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, भोज्य पदार्थों का सिनोनिम्स कहते हैं। ये भोजन में मिक्स होते हैं, भोज्य पदार्थों में ये मिक्स होते हैं न्यूट्रिशन। ये हमें ऐसे दिखाई तो नहीं देते हैं, जैसे इस न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में लगभग 4 कंटेंट होते हैं। पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है एंड वाटर होता है। ये है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि C6H12 और O5, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारा वो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रोटीन जैसे कि जो भी प्रोटीन है वो 23 प्रोटीन में 23 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 9 अमीनो एसिड जो हमारे बाहरी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है और बाकी जितने बचते हैं वो भोज्य अंदर के बॉडी ऑर्गन्स से ही वो हमारा शरीर उसे अपने तरफ से एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे वो प्रोटीन जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन से वो बाकी के ऑर्गन्स से वो जैसे कि ब्लड मसल्स नेल स्किन हेयर एंड टिश्यू इंटरनल ऑर्गन से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फैट जो होता है वो जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये परसेंटेज होता है 76 12 एंड 12 के मात्रा में होता है। ये फैट भी हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर इसको हम बना रहे हैं इसके आगे वाले।